कचरा फैलाना, कचरे को जलाना, हानिकारक गैसों के माहौल में पूरे वाराणसी को समेटना, यह वाराणसी शहर और नगर की नियत बन गई है। यह है बाबा विश्वनाथ की नगरी। वर्तमान में यह वाराणसी पूरे देश का मानक बन गया है। क्यों मानक बना है इसे आप सभी भी के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम जहाँ खड़े हैं यह भगवानपुर रोड है, बगल में ड्रामा सेंटर है। यह ड्रामा सेंटर की चार दीवारी दूर तक दिख रही है, आगे ड्रामा सेंटर का गेट है और यह भगवानपुर तिराहा है। एक रास्ता सनबीम के लिए जाता है, यह रास्ता ड्रामा सेंटर और BHU के लिए जाता है। इधर जो चार दीवारी दिख रहे हैं यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की चार दीवारी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं लगातार कचरा फेंकने का यही सुरक्षित स्थान हो गया है। नगर निगम यहाँ कचरा फेंकता है, कचरा फेंकने के बाद इसे जलाता है। कचरे में एक दो प्रकार के कचरे नहीं हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थ है। इसमें मेडिकल कचरा भी है, रुई है, सिरिंज है और अन्य हानिकारक तत्व हैं। इसमें जहाँ भी आपकी दृष्टि जा रही है, प्लास्टिक की गिलासें हैं या प्लेट हैं, रैपर हैं। और इधर बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कई बार हमने ट्वीट करके इस मामले को भेजा था माननीय प्रधानमंत्री जी तक, मुख्यमंत्री तक, यहाँ के नगर निगम तक, वाराणसी के जिलाधिकारी तक। यह गोवंश के लोग तो इस कचरे से जो धुआं उत्सर्जित हो रहा है, जो हानिकारक गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मीथेन, लेड इत्यादि के वातावरण में तो है ही, आने जाने वाले लोग भी इस कचरे की सड़ांध और इसके धुएं से प्रभावित हो रहे हैं। यही तो साफ ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर में गंभीर मरीज भर्ती हैं। यह गैसें जाती हैं ट्रामा सेंटर के मरीजों के फेफड़े में भी जाएंगी और उनके जो संरक्षक हैं वह भी इससे प्रभावित होंगे, आने जाने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। आखिर किस प्रकार का कचरा प्रबंधन वाराणसी में किया जा रहा है, नगर निगम करता क्या है? पॉलीथीन पर बैन है, पूर्व की सरकार ने ही पॉलीथीन पर बैन लगाया। यह प्रदूषण नियंत्रण मार्ग है। आगे सीवर लाइन जो मलमूत्र है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहाँ संयंत्र लगे हैं और यह कचरा लगातार जला करके देख रहे हैं। यह दूर तक इधर आपकी दृष्टि जाएगी उधर कचरे, यही नगर निगम करता है। कहते कहते थक गया, किसको कहा जाए, किसको लिखा जाए, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। या तो ऐसा ही लग रहा है जैसे भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस बैठ पड़ाए। भैंस कौन है? भैंस की प्रकृति के यहाँ के अधिकारी हैं साहब, जिसका भी किसका नाम लें, नगर निगम के जो मेयर हैं वह भैंस की दृष्टि में उनको देख रहा हूँ, जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं वह भी उसी दृष्टि में है, DM से लेके कमिश्नर तक को बड़ छोट कहा अपराधी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा अपराधी कहा जाए। उस श्रेणी में तो लोग भी हैं जो इसे लगातार देखते हैं और आँख बंद करके लगातार अपनी नाक बंद करके मुंह बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। अभी नगर निगम ने कहा जितने छुट्टा पशु हैं सारे पशु पकड़े जाएंगे, लेकिन वाराणसी में कम से कम 5,000 की संख्या में छुट्टा पशु, नंदी और सांड घूमते हैं, लोगों को उठा करके पटक देते हैं, लोग घायल होते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन किसी को कोई असर नहीं। आज मैंने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। संविधान में वर्णित है कि हर एक व्यक्ति को संपूर्ण गरिमा के आलोक में जीने का अधिकार है और आर्टिकल 21 यह भी कहता है कि हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में विचरण करने का, रहने का, जीने का और संचरण करने का अधिकार है, जिसका हनन होते हुए आज इस मामले में मैं देख रहा हूँ। आज है कै तारीख है भैया? 8। कौन सा 8? 8 सितंबर। 8 सितंबर 2017 को हम हैं ड्रामा सेंटर के बगल में और यह जो स्थिति बन रही है उसको हमने दिखाया, आगे भी दिखाते रहेंगे। आशा है जिम्मेदार लोगों के ज्ञान चक्षु खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।